नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो आइए जानते हैं आगरा और यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध ताजमहल के इतिहास के बारे में। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया। ताजमहल के निर्माण के लिए मध्य एशिया, तुर्क, रूस, ईरान जैसे कई देशों से कुशल कारीगरों को भारत लाया गया था। ताजमहल निर्माण के प्रमुख शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनको ईरान से लाया गया था। एक और खास बात यह है कि पूरे ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिकों ने कार्य किया था। यदि आप भी ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ताजमहल खुलने का समय आपको मालूम होना जरूरी है। बता दें, ताजमहल एक निश्चित समय पर ही खुलता है। ताजमहल के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है। लेकिन पूर्णमासी के दिन ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए 8:30 बजे से 12:30 बजे तक भी खुले रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ किस जगह के बारे में देखना या जानना चाहते हैं कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।